चलिए बढ़ते हैं आगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के कुछ और फैसलों की बात करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक और अहम मीटिंग हुई, और मीटिंग में इस बार जिला तरक्याती कमिश्नर या एसपीज नहीं बल्कि तमाम सेक्रेटरीज को मधु किया गया था और उनके साथ मशावरत मुख्तलिफ महकमों के कामकाज पर चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा मामला, ई दफातर फाल बनाने के लिए एक माह की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। पॉलिसी इकदाम हों, तरक्याती मनसूबे हों, उनमें तेज रफ्तारी लानी हो या सरमा के दौरान जिनको कंप्लीट करना था, उन सभी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुशावरत के बाद इंतजामी सेक्रेटरीज की जो मीटिंग हुई है, इसमें आज के वक्त में जो तरक्याती मनसूबे जारी हैं, पॉलिसी इकदाम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के हैं और बरवक्त तकमील पर तबादला ख्याल किया गया है। मीटिंग में यह भी कहा गया कि हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ जो पॉलिसीज हैं और इकदाम हैं, इनको पायदार तरक्की के हदफ को हासिल करना इंतजामिया का इस वक्त जो वाहिद टारगेट था, उसके तहत काम होना चाहिए। और मुशावरत में एक माह का वक्त, जो आज के वक्त में सबसे बड़ी परेशानी थी कि दफातर को आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में जब मीटिंग हो रही थी तो इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है, और वह है दफातर को ई दफातर जो हैं उनको फाल बनाना, यानी डिजिटल प्रोसेस जो है उसको मजीद तेजी के साथ अब हर दफ्तर के अंदर, यानी एक माह का वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दिया है कि हर एक दफ्तर अब ई गवर्नेंस के निजाम में लाया जाए, यानी इंटरनेट ईमेल के जरिए से हर एक चीज का पता हो और हर फाइल ऑनलाइन हो। इस सिलसिले में सिर्फ एक माह का वक्त दे दिया गया। चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जिन्हें यह हिदायत दिया गया कि सभी सेक्रेटरीज के साथ मिलकर हफ्तावार ब्रीफिंग ली जाएगी कितना काम हुआ, और अगली माह मीटिंग जब होगी तो उसमें मुकम्मल तौर पर डाटा हो कि कितने दफ्तर 100% ई ऑफिस में चले गए, और जहां पर नहीं चला गया हो उनके लिए टास्क भी दिया जाए। ये तो एक बात थी। इसमें जो दूसरी बड़ी बात थी वो ये थी कि डेवलपमेंट यानी तरक्याती मंसूबों की अमल दरामद में जो डिले हो रहा है, इस पर भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सवाल उठाया। ये डिले क्यों हो रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायत लेवल पर, पीआरआई लेवल पर जो पैसा सर्फ होना था, जो अकाउंट्स में आया है, जो बजट बुक में भी है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है, एक बड़ा सवाल यह है। और कल यह मुद्दा जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की मीटिंग के अंदर भी उठा है, इसको ईज आउट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब यह कब तक होगा, बड़ा सवाल है, क्योंकि अब सिर्फ चंद दिन, चंद हफ्ते हमारे कश्मीर घाटी के अंदर बचे हैं, उसके बाद काम होना ना के बराबर है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का सिलसिला होगा। शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस इसलिए भी लिया है। तीसरी बड़ी बात जो है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, यानी जहां पर भी रिलीफ का पैसा हो, जहां पर भी जो स्कॉलरशिप का पैसा हो या कुछ भी हो, सरकार की तरफ से इमदाद का मामला हो, वो हाथ में ना जाए, अकाउंट्स में जाया जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम को किया जाए, इस हवाले से भी एक हतमी लाइन जो है वो खींची गई। लेकिन एक सिल्वर लाइन जो इसमें है, जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों के हवाले से किया, वो ये है कि हर पंचायत के अंदर कम से कम 5 टैलेंटेड नौजवानों का ग्रुप बनाया जाए, 5 लोगों को चुना जाए जिन्हें खुद रोजगार स्कीम के तहत रोजगार का मौका दिया जाएगा, यानी आउट ऑफ द वे 5 लोगों को हर पंचायत के अंदर चुना जाएगा, उन 5 लोगों को लोन सरकार देगी जहां पर वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करेंगे, अपना एंटरप्राइज शुरू करेंगे, ताकि वो रोजगार शुरू करें और उस रोजगार से न सिर्फ खुद को बल्कि और 5 लोगों को रोजगार फराहम कर सके। इस सिलसिले में ये स्कीम मुतारफ कराई गई और कहा गया कि इस पर किसी भी किस्म का लैतुलैल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि जब वजीर दाखिला साहब आए थे तो उन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर इन्हीं ग्रुप्स के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद एक बड़ा एक्सपीरियंस उन्हें मिला था, और उसी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह हुक्मनामा वजीर दाखिला की तरफ से दिया गया था कि मजीद इसको एक्सपेंशन में लाया जाए ताकि नौजवान अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने रोजगार को चुन सके, न सिर्फ अपना कारोबार करे बल्कि और 5 लोगों को भी रोजगार मिल सके। इसलिए फैसला यह कि हर पंचायत से हर माह 5-5 लोगों को चुना जाएगा ताकि उन्हें रोजगार के दायरे में लाया जा सके।